एनर्जी एंड मैटर फ्लो इन एन इकोसिस्टम फर्स्ट था कंटेंट्स एनर्जी बजट ग्रॉस प्रोडक्टिविटी नेट प्रोडक्टिविटी फ्लो ऑफ एनर्जी एंड फ्लो ऑफ मटेरियल्स फर्स्ट था एनर्जी बजट तो वाट इज़ एनर्जी बजट एनर्जी बजट बेसिकली अगर हम देखें जब हम बजट से ले तो बजट से मुराद क्या, क्या, क्या है कैलकुलेशन है कि कोई भी चीज़ जो है उसका हम वो कितनी हम ले रहे हैं कितनी यूटिलाइज कर रहे हैं कहाँ यूटिलाइज हो रही है ऑल दिस इज कॉल द बजट इस सारे को हम कोल मिलाकर क्या कहते हैं कि ये एक बजट बन गया है सो एनर्जी बजट मीन्स ए बैलेंस शीट दैट टेल्स अस वट अमाउंट ऑफ एनर्जी वी आर टेकिंग इन वे आर यू आर यूटिलाइज वी आर यूटिलाइजिंग दिस एनर्जी एंड वट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस एनर्जी कि ये एनर्जी कितनी इनपुट हो रही है कितनी हम ले रहे हैं कितने कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं और इसका फर्दर जो है कितनी एनर्जी से बायोमैस जो वो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं सो so, यानी कि ये गेन और एक्सपेंडिचर के दरमियान एक बैलेंस को शो करती है तो अगर हम देखें तो ऑल द ऑर्गेनिजम जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द ओपन थर्मोडाइनमिक सिस्टम्स ओपन थर्मोडाइनमिक सिस्टम का मतलब ये है कि उसमें से एनर्जी आ रही है और आगे फर्दर डिफरेंट परपजेज के लिए यूज़ हो रही है जिससे तो ही ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा एनर्जी इनटेक कर ली गई तो उसके बाद एनर्जी उसी बॉडी के अंदर रहेगी नहीं बल्कि कंटिन्यूसली एन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन रहेगा जैसे जो हम न्यूट्रिएंट्स लेंगे एनर्जी जो इंटेक करते हैं उसमें बहुत सारी एनर्जी और हीट की फॉर्म में इन्वायरमेंट में डैसीपेट हो जाती है इसी तरह से बहुत सी एनर्जी है जिसको डिफरेंट फंक्शंस के लिए क्या किया जाता है यूटिलाइज़ किया जाता है तो जो एनर्जी है मेनली इसका जो फंक्ज है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वर्क इसको वर्क के लिए यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो हम क्या करते हैं इसको जो है वो सराउंडिंग uh, एनिमल्स के एनवायरनमेंट में जब वर्डिसपेट करते हैं एंड सिमिलरली दिस एनर्जी इज आल्सो स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फार्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कि पोटेंशियल एनर्जी की फार्म हम अपने बायोमालिकुल्स के अंदर इस एनर्जी को सेव करते हैं सो एनिमल टू एनिमल द एनर्जी बजट वेरीज एनिमल टू एनिमल एनर्जी बजट वेरीज मीन कि हर एनिमल का जो एलोकेशन है एनर्जी की वो डिफरेंट है जैसे जो होम्योथर्म्स हैं होम्योथर्म्स अपनी एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में कंज्यूम करते हैं जबकि जो एक्टोथर्म्स हैं वो अपनी एनर्जी को बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूटिलाइज नहीं करते हैं इसलिए जब वो एनर्जी एलोकेशन करेंगे तो होम्योस्टेसिस के लिए या बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए एक्ट्रोथर्म कोई भी हीट एलोकेट नहीं करेंगे बल्कि वो एनर्जी जो है बाकी पर्पज के लिए वो यूज़ करेंगे तो इसलिए यानी हमारे पास अगर होम्योथर्म और एक्ट्रोथर्म की बात करें तो जो एक्ट्रोथर्म्स हैं उनकी एनर्जी एलोकेशन डिफरेंट होगी होम्योथर्म्स की एनर्जी एलोकेशन डिफरेंट होगी इस तरह से एनिमल टू एनिमल वेरी करेगा कि अगर हमारे पास एक प्रीडेटर है तो प्रीडेटर की जो एनर्जी एलोकेशन होगी वो ज़्यादातर उसकी होगी जो उसको प्रे को हंट करने में उसने एनर्जी को यूटिलाइज़ करना उसकी जबकि इसके मुकाबले में अगर हमारे पास कोई हरबी वोर है तो हर्बी वोर की वो ज़्यादा एनर्जी एलोकेशन किसके लिए होगी उसको बायोमैस कंस्ट्रक्ट करने के लिए होगी मीन्स एनर्जी बजट एनर्जी एलोकेशन वेरीज फ्राम वन एनिमल टू अदर एनिमल्स सो एक्टोथर्म्स के लिए जैसे हम बात करें कि वो मेटाबोलिक हीट पर रिलाई नहीं करते हैं बल्कि एन्वायरमेंटल हीट पर रिलाई करते हैं जबकि एंडोथर्म्स जो होते हैं वो मेटाबोलिक हीट के ऊपर रिलाई करते हैं इसलिए उनकी एनर्जी बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जा वो फिक्स किया जाएगा या उसको जा एलोकेट किया जाएगा तो एनर्जी बजट से रेलिवेंट टॉपिक नेक्स्ट हेडिंग इज द ग्रॉस प्रोडक्टिविटी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी मीन द अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ टेकन इन बाई एन एनिमल एक एनिमल ने कितनी एनर्जी इनटेक की है दैट इज कॉल्ड इट्स ग्रॉस प्रोडक्टिविटी कि उसने जो है वो एसेमिलेट, की है टेक इन से बराध ये नहीं है कि वो कितना उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुआ है जैसे अगर सपोज एक एनिमल ने फूड खाया है उसमें से जो टेन किलोग्राम फूड इनटेक किया फ़ाइव किलोग्राम फूड जो है वो उसे एसिमुलेट कर जैसे कर लिया फाइव किलोग्राम फूड उसकी डाइजेस्टम जस्ट पास ऑन हो गया है तो हम जो जब हम बात करें ग्रॉस प्रोडक्टिविटी तो हम फाइव किलोग्राम को कंसिडर करेंगे वो अमाउंट जो क्या होगी एब्जॉर्ब होगी है बॉडी हो के अंदर सो सो इसमें अगर हम देखेंगे तो द न्यूट्रिय जो इनटेक किए गएंगे दैट इज एक्चुअली द ग्रॉस प्रोडक्टिविटी नेट प्रोडक्टिविटी अच्छा जितनी भी न्यूट्रिशन को इनटेक किया गया है एब्जॉर्ब किया गया वो सारा के सारा नए बायोमैस बनाने में कंज इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि उसमें जो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी जितना न्यूट्रिएंट्स जो है इनटेक किए गए हैं स्िमुलेट किए गए हैं बॉडी में जज्ब किए गए हैं वो न्यूट्रिएंट्स में एक बहुत बड़ा पोर्शन होगा जो सेलुलर रिपेयर में यूज़ हो जाएगा एक बहुत बड़ा पोर्शन वो होगा जो बाकी एक्टिविटीज़ में हीट की फार्म में बॉडी एनर्जी के लिए जो है यूटलाइज हो जाएगा और एक थर्ड पोर्शन वो होगा जिससे न्यू बायोमैस जो बनाई जाएगी सो नेट प्रोडक्टिविटी इज़ एक्चुअली दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ यूज फॉर सेंथिस ऑफ न्यू बायोमैस कि नेट प्रोडक्टिविटी से मराद एनर्जी की वो अमाउंट है जिससे न्यू बायोमैसथिस किया जाता है इसकी एग्जाम्पल अगर मैं आपको कि सपोज एक एनिमल है उसने टेन कैलोरीज जो है वो इनटेक की हैं टेन किलो कैलोरीज इनटेक की है अब टेन किलो कैलोरीज में से थ्री किलो कैलोरीज को उसने रिपेयर के लिए यूज कर दिया है फोर किलो कैलोरीज को उसने बॉडी टेम्परेचर के लिए या बाकी हीट पर्पस के लिए यूज कर लिया है तो अब उसके पास जो रिमेनिंग थ्री कैलोरीज है उसको बायोमैस बनाएगा वो तो उसकी नेट प्रोडक्टिविटी फिर क्या होगी थ्री किलो कैलोरीज जो है वो कंसिडर की जाएगी सो एनर्जी फ्लो अब हम बात करते हैं कि इको सिस्टम के अंदर ये जो एनर्जी फ्लो कोई एनिमल जो है एनर्जी अगर ले रहा है तो इको सिस्टम के अंदर चूँकि हर एनिमल एक खास ट्रॉफिक लेवल के ऊपर मौजूद है और ये अपनी एनर्जी अपने से नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल से गेन कर रहा होता है तो बेसिकली एनर्जी क्या करती है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के दरमियान क्या करेगी फ्लो करेगी और ये फ्लो ऑफ एनर्जी इस तरह से होता है कि आमतौर पर जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफ़र होती है इट इज़ अप्रोक्सिमेटली टेन परसेंट टेन परसेंट के करीब एनर्जी जो होती है वो क्या होती है ट्रांसफ़र हो रही है तो ये ट्रांसफ़र जो है ये इनकी फार्म ऑफ फूड हो गई यानी अगर हम ये कहते हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कैसे हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ फूड है कि ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल का जो एनिमल है वो नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल को से फूड ले रहा जब वो फूड की फॉर्म में लेगा तो एक्चुअली वो एनर्जी है जो उसने क्या की है अपटेक की है तो इस तरह से जो है वो इको सिस्टम की एनर्जी जो है वो ट्रैवल करती है अब ट्रैवल ऑफ एनर्जी कैसे है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी इंडस्ट्री कंज्यूमर्स है और अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है एनर्जी की वो है डेसिपेशन इन दी फार्म ऑफ हीट के इन्वायरमेंट के अंदर हीट की में इसने क्या कर देना है डेसीपेट करना है अच्छा इंडस्ट्रेंट अगर आप देखें जो प्लांट्स हैं उन्होंने एनर्जी यूज की है सन की सन की एनर्जी यूज की है सन से एनर्जी प्लांट्स के पास प्लांट से वो एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर के पास प्राइमरी कंज्यूमर से वो एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास सेकेंडरी कंज्यूमर से वो एनर्जी तर्शरी कंज्यूमर के पास और हर लेवल के ऊपर इस एनर्जी का कुछ प्रोपोर्शन जो था वो हीट की फार्म में डेसीपेट करता चला जाता है तो अब जो फ्लो ऑफ एनर्जी इको सिस्टम वो यूनि डायरेक्शनल है यानी वो एक तरफ से चलेगा और उसके बाद एंटीलिमेट्री उसने हीट की फार्म में डेसीपेट हो जाना है एनर्जी कभी भी रिसाइकल नहीं होती है बल्कि हीट की फार्म में डेसीपेट हो जाती है सनलाइट से मजीद एनर्जी आकर उस चेन को दोबारा कंटिन्यू करेगी जो हीट की फार्म में डेसीपेट होगी वो दोबारा हिस्सा नहीं लेगी इस इक्व सिस्टम के अंदर या फूड चेन के अंदर फ्लो ऑफ मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो फ्लो ऑफ मटेरियल्स इको सिस्टम के अंदर हम देखें तो फ्लो ऑफ मटेरियल भी उसी तरह से ट्रॉफिक लेवल के अंदर ही ट्रैवल ट्रा, करते हैं जब कोई एनिमल फूड हासिल करता है अपने से नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल से तो एक्चुअली वो मटेरियल और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि साथ साथ इनटेक कर रहा होता है जैसे अगर कोई हरबी वोर प्लांट्स को जब खाएगा तो प्लांट्स के अंदर से कार्बन सल्फर फासफोर्स जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे इनटेक करेगा फिर उस प्राइमरी कंज्यूमर को जब सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा तो वो सारे के सारे न्यूट्रिय होते हैं वो मटेरियल ट्रैवल करेंगे अच्छा जो अगर हम बात करते हैं आ, फ्लो ऑफ मटेरियल्स की तो फ्लो ऑफ मटेरियल जो होते हैं ये साइकिलिक वे में इकोसिस्टम में मूव करते हैं कैसे कि हर लेवल के ऊपर या जब एंड लेवल तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद ये दोबारा सॉयल के अंदर आ जाएंगे न्यूट्रिएंट्स सॉइल से दोबारा प्लांट्स यूटिलाइज करेंगे प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर टर्सरी कंज्यूमर अगेन हर लेवल के ऊपर डेथ होगी एनिमल्स की या ऑर्गेनिजम्स की ओवर न्यूट्रिएंट्स दोबारा सॉयल में आ जाएंगे और प्लान दोबारा सॉयल से क्या करेंगे उसको यूज़ करेंगे इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी यूनिडायरेक्शनली मूव करती है जबकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जिसको हम मटेरियल्स uh, का नाम देते हैं दे मूव इन अ साइक्लिक वे